ओके बच्चों, अभी तक अपन ने इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट पोजीशन देखा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल देखा है, फिर एक सर्कल का एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन जैसे कुछ क्वेश्चंस देखे थे, दो सर्कल की रिलेटिव पोजीशंस देखा था, है ना। अब नाउ द रिलेटिव the position of a line with respect to a circle। अगर हम बात करेंगे कि एक सर्कल के रिस्पेक्ट में एक लाइन की पोजीशन क्या होगी, तो अगर इस प्लेन में एक लाइन और एक सर्कल को प्लॉट किया जाए, तो आप कह सकते हो कि वन ऑफ द केस जिसमें सर्कल ये है और लाइन आउटसाइड ऑफ द सर्कल हो सकती है। दूसरा केस हो सकता है कि वो जो आपको लाइन दे रखी है वो इस सर्कल को दो जगह पर इंटरसेक्ट करे, यानी कि क्या बनाए, क्वाड ऑफ द सर्कल हो जाए। या थर्ड केस हो सकता है कि इस वो जो लाइन है वो उस सर्कल की वहां पर सिंपल क्या हो जाए, टेंजेंट हो जाए। तो ये कैसे पता करेंगे कि एक लाइन उस सर्कल के रिस्पेक्ट में इन तीनों में से कौन सा फिगर को इज रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वाई प्लेन में। उसको पता करने के लिए सिंपल आप उस सर्कल के सेंटर से उस लाइन का क्या निकाल देते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो पी इज रिप्रेजेंट द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन। इस लाइन का सेंटर से आपका क्या निकाल लेते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन। तो अगर इस केस में आप नोटिस करते हो, तो अगर वो लाइन सही में आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, तो आप कह सकते हो द पी मस्ट बी ग्रेटर देन कैपिटल आर, जहां पे कैपिटल आर आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल द रेडियस ऑफ सर्कल, द रेडियस ऑफ सर्कल। तो पी आपका ग्रेटर देन आर हो जाएगा जब आपके पास वो लाइन आपकी सर्कल को दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, तो सेंटर से उस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी है वो आप देख सकते हो इस फिगर के करस्पॉन्डिंग लेसर देन आर हो जाएगा बच्चे। और जब आप इस केस में देखते हो, तो इस सेंटर से इसका ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, तो वो आप कह सकते हो पी की वैल्यू सिंपल इक्वल टू द आर हो जाएगी। यानी कि जब वो लाइन इस सर्कल को टेंजेंट होगी, तो आप सिंपली कह सकते हो कि सेंटर से उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके रेडियस के क्या होगा, इक्वल होगा। अंडरस्टैंड सभी को? तो इन दो इंफॉर्मेशन की हेल्प से, हम ये पता कर सकते हैं कि वो लाइन उस सर्कल के रिस्पेक्ट में किस तरीके से प्लॉट होगी उस एक्स वाई प्लेन में। अंडरस्टैंड सभी को अच्छे से? जब एक लाइन इस सर्कल के आउटसाइड होती है, तो एक आपको कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द इस वाले फिगर में कि करस्पॉन्डिंग फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सर्कल एंड अ लाइन। इस फिगर में आपको एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सर्कल एंड अ लाइन, गिवन लाइन एंड करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द कर्व। द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन कर्व। इस यानी कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन लाइन और सर्कल, यानी कि एक पॉइंट इस लाइन पे उठाना है और एक पॉइंट इस सर्कल पे उठाना है, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका मिनिमम हो जाए। तो आप फील कर सकते हो कि जब आप सेंटर से ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो
और ये सर्कल पे ये वाला पॉइंट और लाइन पे ये वाला पॉइंट अगर मैं कंसिडर करूं तो ये आपको सिंपल क्या दे देगा, मिनिमम डिस्टेंस दे देगा करस्पॉन्डिंग बिटवीन सर्कल एंड अ लाइन। इस पॉइंट के अलावा अगर आप यहाँ पे पॉइंट लेते हो तो ये लेंथ इस लेंथ से ज्यादा होगी, इस रेक्टेंगल ट्रायंगल से। अगर आप यहाँ पे पॉइंट लेते हो तो आपको पता है कि टेंजेंट कुछ इस पॉइंट पे ऐसे जा रही थी, बच्चे टेंजेंट इस पॉइंट पे कुछ ऐसे जा रही थी, तो ऑब्वियस है इस लेंथ से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल एंड अ लाइन करस्पॉन्डिंग। तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट की अगर हमें बात करनी है तो इस ए और बी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस आप यहां पर कितना बोलोगे, इज अ सी से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी, जो कि आपने पैरामीटर देखा था अभी, और उसमें से इस रेडियस को घटा दोगे तो मिनिमम डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों, पी माइनस आर हो जाएगी। करस्पॉन्डिंग पॉइंट कैसे बोलोगे कि फिजिकली ये दिख रहा है, कोई डी वाई बाई डी एक्स की आपको जरूरत नहीं है, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको मिनिमम डिस्टेंस देगा। और लाइन पे अगर पॉइंट कैलकुलेट करना है करस्पॉन्डिंग पॉइंट, तो सेंटर से उस लाइन पे क्या निकाल दोगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सेंटर से उस लाइन पे आप क्या निकाल दोगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर सर्कल पे पॉइंट कैलकुलेट करना है तो आप सिंपली पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज कर सकते हो, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आपको ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये P और ये R, तो ये P माइनस R और R के रेशियो में इंटरनल डिवीजन पॉइंट से कैलकुलेट कर सकते हो। या ये पॉइंट और ये पॉइंट पता है तो, या इस लाइन का स्लोप पता है तो इस लाइन का स्लोप tan थीटा पता है, तो C से आप पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन देखते हुए कि वो पॉइंट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग A का क्या निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। या इस ऐसा लेकिन अगर हम करते हैं कि इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से पास करने वाली इस लाइन की इक्वेशन लिख ले और उसको सर्कल के साथ अगर सॉल्व करेंगे तो एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस मिलेगा बी, जो कि हमें चेक करना पड़ेगा कि मिनिमम डिस्टेंस पे आइदर ए और बी में कौन सा पॉइंट है। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को? तो जब एक लाइन एक सर्कल के आउटसाइड लाई करती है तो एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल एंड अ लाइन एंड करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द कर्व। चाहे सर्कल पे पूछ सकते हैं, चाहे लाइन पे पूछ सकते हैं। जिस फिगर में अगर एक सर्कल एक कॉर्ड एक सर्कल को दो जगह पे इंटरसेक्ट करता है, एक कॉर्ड एक सर्कल को दो जगह पे इंटरसेक्ट करता है, तो उसमें जो कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सबसे पहले लेंथ ऑफ द कॉर्ड, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड अगर आपसे पूछा जा रहा है तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड आपकी कितनी हो जाएगी बच्चे। इस को आपको पता है कि जब आप सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हो तो वो सिंपली बाइसेक्ट होता है। यहाँ पर इस फिगर में ये कैपिटल आर है, तो ए बी यानी कि लेंथ ऑफ कॉर्ड की जो वैल्यू हो जाएगी वो सिंपली आपकी यहाँ पर कितनी हो जाएगी बच्चे, ट्वाइस ओवर अंडर रूट ओवर इज सिंपली आर स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। तो AB is equal to 2 into under root over R square minus का P square is the length of chord, आप बोल सकते हो जब एक लाइन एक सर्कल को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके अलावा ये सबटेंडेड एंगल पूछा जा सकता है, ये सबटेंडेड एंगल पूछा जा सकता है बच्चे। तो आपको R और P पता है तो ऑब्वियस है ये सेमी एंगल पता है, तो इसका डबल एंगल पूछा गया है। अगर आपको इस AB के द्वारा इस सर्कमफेरेंस पे सबटेंडेड एंगल पूछा है तो आप ज्योमेट्री से बोलते हो कि सेंटर पे बने एंगल का ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा इस साइड, और इधर साइड उसी आधे का 2 इज अ पाई माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर इधर सबटेंडेड एंगल थीटा है तो इधर सबटेंडेड एंगल पाई माइनस थीटा होगा इस स्कॉट के माइनर आर्क की तरफ। अंडरस्टैंड सभी को? तो जब एक लाइन एक सर्कल को दो जगह पे कट करेगा तो AB की लेंथ या सबटेंडेड एंगल ऑन द सेंटर या सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस पे भी एंगल निकालने के लिए आपको सेंटर पे ही एंगल निकालने की जरूरत पड़ेगी।
आपको सेंटर पे ही एंगल निकालने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। अंडरस्टैंड सभी को? तो ए बी आपका ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड हो जाएगा। जब थर्ड वाले केस की बात आप करते हो, जब आपको कहा जाता है कि कोई गिवन लाइन इस सर्कल की टेंजेंट है, तो फोर्सफुली अगर हमें किसी लाइन को सर्कल की टेंजेंट बनाना है, तो उसके सेंटर से उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वेट विथ रेडियस हम सिंपल अप्लाई कर देंगे कांस्टेंट, तो जिसके लिए कि वो लाइन उस सर्कल की क्या हो जाएगी, सिंपली टेंजेंट हो जाएगी। अंडरस्टैंड यहां तक अच्छे से है ना? अगर ऐसा नहीं करते हैं कि अगर इसके अलावा क्या होगा कि एक लाइन जो कि सर्कल की टेंजेंट है, तो हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पूछा जा सकता है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने के लिए सेंटर से उस लाइन पे आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर जब निकालते हो, तो वही आपका क्या हो जाएगा, सिंपली पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा। तो द रिलेटिव पोजिशन ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल में आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसके आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। बच्चों क्लियर सभी को अच्छे से ये बात? नाउ इज अ सिंपल प्रॉब्लम की बात करें, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन द 3x प्लस 4y इज इक्वल टू द 10 एंड अ सर्कल x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस द y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 and also find the corresponding point on a line and circle. तो जैसा कि अगर आप ये नोटिस करो कि ये जो लाइन है वो इस सर्कल के रिस्पेक्ट में किस तरीके से लाई कर रही है, ये नोटिस करने के लिए आप इस लाइन का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। इस सर्कल का आप देख सकते हो कि सेंटर क्या है बच्चों, माइनस का 1, -2 है। उस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो -3, -8, -10 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि दिस इज इक्वेट विथ इज अ 21 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि दिस इज 4 point something, जबकि रेडियस आपका यहाँ पर कितना है बच्चे, 2 है, तो P की वैल्यू R से बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्कल यहाँ पर है और ये लाइन कुछ इस तरीके से प्लॉट हो रही है। उस लाइन की इक्वेशन यहाँ पर क्या है, 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू द 10 है और इसका सेंटर अपन को गिवन है। तो अगर अपन को इसकी मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो ज्योमेटिकली मैंने कहा कि सेंटर से जब मैं इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालूंगा, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट अपन को रिलेटिवली दोनों कर्व के बीच में मिनिमम डिस्टेंस देगा, और ये मिनिमम डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो दिस मस्ट बी इक्वेट विथ किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, इस सिंपली यहाँ पर P-R, यानी कि 21 डिवाइडेड बाय 5 माइनस रेडियस घटा दिया, तो रेडियस इसका 2 था, तो 11 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। तो ये तो मिनिमम डिस्टेंस हो गया बच्चे 11 डिवाइडेड बाय 5 का, और ये आपका सर्कल का रेडियस चूंकि 2 था, और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट फिगर में -1, -2 था।
करस्पॉन्डिंग पॉइंट अगर चाहिए तो ए का कोऑर्डिनेट अगर हमें चाहिए तो ए अगर एक्स वन कॉमा वाई वन मैंने एज्यूम किया तो एक्स वन माइनस इज अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा इस पॉइंट से इस लाइन पे, तो एक्स वन प्लस का वन डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल टू वाई वन प्लस का टू डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू माइनस ओवर माइनस वन कॉमा माइनस टू रखोगे तो माइनस थ्री माइनस एट इलेवन यानी कि माइनस का ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाई इज सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वेंटी फाइव। ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा यहां से बच्चे। इस अब बी के कोऑर्डिनेट अगर हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स टू कॉमा वाई टू है तो आप मेरे से बोल सकते हो कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के रिस्पेक्ट में नीचे है तो ये पॉइंट आपका इधर ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि इसका स्लोप आपका सीधे क्या है बच्चे माइनस का थ्री डिवाइडेड बाई फोर है, तो इस लाइन का स्लोप फोर डिवाइडेड बाई थ्री हो गया। तो अगर आप b के कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2 एज्यूम किए हो तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन में लगा सकता हूं सिंपल x2 बराबर इज अ माइनस का 1 प्लस रेडियस 2 यूनिट इनटू cos थीटा, जबकि tan थीटा अगर 4 ये प्लस का क्यों लिया क्योंकि ये रिलेटिवली फिगर ऊपर की तरफ जा रहा था, तो इस सिंपली 3 डिवाइडेड बाय 5 कॉमा is a y2 is equate with minus ka 2 plus 2 into 4 divided by 5। ये आपका पॉइंट b का कोऑर्डिनेट आ जाएगा और ये सिंपली पॉइंट a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा और इस a और b आपके करस्पॉन्डिंग पॉइंट। लेकिन मिनिमम डिस्टेंस के लिए पॉइंट निकालना की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे इस तरीके से इस a p minus r अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अगर हमसे कहा जा रहा है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, इफ अ लाइन एल वन बी अ स्ट्रेट लाइन टू origin and L2 is a line x plus y is equal to 1 if the intersected made by the circle x square plus y square minus ka x plus ka 3y is equal 0 on L1 and L2 are equal, then find the equation of line L1। तो क्वेश्चन में कहा गया कि दो लाइन है L1 और L2 और एक सर्कल दे रखा है और L1 और L2 के बारे में इस ने का इक्वल इंटरसेप्ट मेड बाय आर इक्वल, यानी कि जैसे आपका सिंपल एक ये सर्कल है और ये एक लाइन L1 है और ये एक लाइन L2 है, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, तो अगर आपका और ये सर्कल का सेंटर है, अगर आपको ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट और ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ पे क्या है इक्वल है, तो बेटे मेरा कहना है कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या होता है 2 इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और दोनों के लिए सेम सर्कल है यानी कि रेडियस सेम हो गई, तो यानी कि सिंपली अगर इन दोनों लाइंस का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल कर दिया जाए तो ये लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन एल वन एंड एल टू भी आपका इक्वल हो जाएगा। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है क्योंकि इस लेंथ आपकी होती है 2 इंटू अंडर रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो ये पहले वाली लाइन तो आर दोनों में सेम तो सब कट जाएगा, तो पी वन बराबर पी टू यानी कि दोनों लाइन का सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों वो यहाँ पे आपका क्या आएगा इक्वल आएगा।
तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आप मेरे से बोल सकते हो, अच्छा आपको लाइन L1 चाहिए थी, उसका पासिंग थ्रू द पॉइंट दे रखा है, तो मैंने लाइन की इक्वेशन सिंपल कंसीडर कर लिया, y = mx. नाउ द सेंटर का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 1/2, माइनस का 3/2, तो 1/2 - 3/2 इसका सेंटर हो गया. L2 आपको गिवन है बच्चे x + y - 1 = 0. तो इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1/2 - 3/2 - 1/√2 का होल मॉड इज इक्वेट विथ इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि m/2 - y को उधर लेके गए प्लस का 3/2 बच्चे अपॉन √(1 + m²). तो इस पूरे इक्वेशन को इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे सॉल्व कर दिया. इसको सॉल्व करके m की जो वैल्यूज आएंगी उससे अपन उस कॉर्ड का आंसर बता सकते हैं. एक बात मैं फिर से यहाँ पे आपको रिवाइज करूंगा कि जैसे आप जब m की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, आपको एक इधर यहाँ पर m² आएगा, इधर अंडर इसका एक नंबर हो गया बच्चे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे. समटाइम्स क्या होता है कि m² का कोफिशेंट कैंसिल हो जाता है, तो जब एक क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोफिशेंट आपका जीरो हो जाता है तो उसका एक रूट इंफिनिटी हो जाता है, मतलब कि वो लाइन वो इक्वेशन आपकी किस में बदल जाती है, लीनियर इक्वेशन में. तो वैसे तो हम जनरली उस वेरिएबल के रूट में इंफिनिटी को काउंट नहीं करते, लेकिन स्लोप आपका इंफिनिटी काउंट डायरेक्टली तो नहीं होगा, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग लाइन जरूर आपकी एग्जिस्ट करेगी. और वो कौन सी लाइन होगी जो कि जिसका स्लोप आपका नॉट डिफाइंड या टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, और वो लाइन होगी आपका कहना होगा वर्टिकल. तो इस गिवन पॉइंट से पासेस थ्रू वर्टिकल लाइन में भी एक आंसर हो सकता है, जो कि इस तरीके से स्लोप बनाने वाले इक्वेशन से m में बनी इक्वेशन से लॉस्ट हो सकता है. कहने का मतलब सिंपल सा यहाँ पर इतना है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इस नंबर को सॉल्व किया तो ये 2, 2 और ये 2 इधर चला गया, नीचे चला गया. 1 माइनस का कितना आ गया बच्चे का, 1 माइनस का 5 आ गया, यानी कि 4 आ गया, यानी कि 2/√2 यानी कि √2 आ गया. तो √2 इज इक्वेट विथ, है ना, कैलकुलेशन फिर से अच्छे से चेक करते रहना अपने हिसाब से, इज अ सिंपली m + 3/√(2)√(1) + m². तो यहाँ पे जब आपने स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे आपको 8 8 × m² = m² + 9 + 6m ऐसा कुछ मिल जाएगा. 8m² यानी कि 7m² - 6m - 1 = 0 ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका एक रूट आपको m = यहाँ पर. समटाइम्स ये होता है कि m² कैंसिल हो जाता है तो हमें m की एक ही वैल्यू मिलती है, लेकिन m की जब m² आप कैंसिल कर रहे हो तो एक रूट आपका टेंडिंग टू इंफिनिटी यानी कि वर्टिकल लाइन जरूर आंसर में होगी, वो आप को इस तरह से कैलकुलेशन में लॉस हो जाता है. इस क्वाड्रेटिक का एक रूट सिंपली 1 है और एक रूट -1/7 है, तो करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे इस कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकते हैं जिसका नाम अपन ने L1 रखा था, और वो लाइन हो जाएगी y = x और y = -1/7 of x यानी कि x + 7y = 0. तो एक ये आंसर और एक ये आंसर इस प्रॉब्लम को इस तरीके से क्या करेगा, सिंपली जस्टिफाई करता हुआ दिखाई देगा. डिस्टेंट यहां तक अच्छे से आपको. उसके अलावा मेरा कहना है एक और कॉन्सेप्ट की अपन बात करते हैं, द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी
द लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट द पी ए अपॉन पी बी इज कॉन्स्टेंट वेयर कॉन्स्टेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो एंड ए एंड बी आर द फिक्स्ड पॉइंट. पी का ए से डिस्टेंस, पी ए यानी कि पी का ए से डिस्टेंस, पी का बी से डिस्टेंस का रेशियो अगर एक कांस्टेंट है तो इस पी का लोकस क्या होगा, इस पे अपन यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं. क्लियर सभी को? तो इस केस में इस दो आपके इंटरप्रेट होते हैं. इस इफ के की वैल्यू एक तो पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि रेशियो ऑफ द लेंथ है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव कॉन्स्टेंट होगा बच्चे. जब आप कहते हो कि k इज इक्वल टू 1 है तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, pa इज इक्वल टू pb मिलेगा, यानी कि pa इज इक्वल टू pb. तो करस्पॉन्डिंग जो लोकस हो जाएगा वो आप मेरे से बोल सकते हो कि इस पॉइंट का जिसका a और b से इक्विडिस्टेंस है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग ऑफ ab. देन द इफ k इज इक्वल टू 1 तो द लोकस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग AB. एक बात क्लियर सभी को अच्छे से यहां पे? और फिर जब आप कहते हो कि K इज नॉट इक्वल टू 1 तो उस केस में आपको इसका जो लोकस मिलेगा वो सिंपली आपको एक क्या मिलेगा बच्चे, सर्कल मिलेगा. जब आप k इज नॉट इक्वल टू 1 की बात करते हो तो उस केस में आपको जो लोकस मिलेगा p का वो एक क्या मिलेगा, सर्कल. तो ऐसा मैंने क्यों बोला, अगर आपको मैं कहूं कि ऐसे जो भी पॉइंट है p जो कि a और b से इस डिस्टेंस का रेशियो k रखते हैं, ऐसे पॉइंट को इस प्लेन में ढूंढो, तो क्या वो पॉइंट इस लाइन जॉइनिंग AB पे भी आएंगे? तो आप कहोगे हाँ, एक ऐसा पॉइंट P1 जरूर एग्जिस्ट करेगा इस लाइन जॉइनिंग AB पे जो कि गिवन रेशियो K टू 1 मेंटेन करेगा, यानी कि P1 वो पॉइंट है जिसके लिए AP1 अपॉन BP1 की वैल्यू आपकी सिंपल K है और A और B को इंटरनल रेशियो में वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा. जब k आपका नॉट इक्वल टू 1 है तो मैं फिर से आपसे पूछूं क्या गिवन रेशियो में a और b को डिवाइड करने वाला इस लाइन पर केवल एक ही पॉइंट होगा कि एक से ज्यादा पॉइंट होंगे? तो आप कहोगे कि गिवन रेशियो में डिवाइड करने वाला इंटरनल तो एक होगा, लेकिन साथ में एज वेल एज एक एक्सटर्नल पॉइंट भी a या b की तरफ, a या b की तरफ पक्का होगा, पक्का होगा जो कि इज ए पी वन ए पी टू अपॉन बी का पी टू इज इक्वल टू कितना मेंटेन करेगा, के मेंटेन करेगा. और वो पी टू बी की तरफ कब जाएगा, जब के की वैल्यू 1 से बड़ी होगी. ए की तरफ कब रहेगा, जब के की वैल्यू 0 और 1 के बीच का नंबर होगा फ्रैक्शनल. अंडरस्टैंड यहां तक भी सभी को? फिर उसके बाद अगर अपन से कहा जाए कि ये P1 और P2 इज द पार्ट ऑफ द लोकस होंगे, P1 और P2 क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं इज द सिंपली पार्ट ऑफ द लोकस होंगे. तो अब वो अगर मैं इस P को P1 से मिला दूं, इस P को P1 से मिला दूं, इस P1 और P2 के अलावा अगर P एक और पॉइंट है जो कि इज द ये सेम डिस्टेंस का रेशियो मेंटेन कर रखा है, तो इस फिगर में ये केस टू 1 और ये भी अगर केस टू 1 है बच्चे, यानी कि ये जो लाइन है वो इस एंगल की, द पी पी 1 विल बी, द पी पी 1 विल बी क्या हो जाएगी, एंड पी पी 2 आर सिंपली, क्योंकि यहां से पी 2 ए और पी 2 बी का भी रेशियो, आर सिंपली क्या हो जाएंगे, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए पी बी. और दोनों बाइसेक्टर चूंकि आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं, तो
तो इसका मतलब पी पी वन और पी टू पे हमेशा कितना एंगल सबस्टेंड करेगा, राइट एंगल सबस्टेंड करेगा। तो पी का जो लोकस होगा वो एक सिंपली सर्कल होगा, एक सर्कल होगा जिसके कौन इज अ डायमीटर होंगे इज अ पी वन एंड पी टू। तो आपको ए और बी का कोऑर्डिनेट अगर पता है, ए और बी का कोऑर्डिनेट अगर पता है तो पी का लोकस एक सर्कल आप डायरेक्टली बोल सकते हो इस तरीके से, अगर वो इस कंडीशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाइड, जब k इज नॉट इक्वल टू 1 है। जब k की वैल्यू 1 है तो उस केस में लोकस आपका सिंपली क्या हो जाएगा बच्चे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये बात तो क्लियर है। तो और p1 p2 उसके क्या हो जाएंगे एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। तो p1 का कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2, तो आप कह सकते हो kx2 प्लस x1 क्योंकि k इज टू 1 के रेशियो में ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, के वाई टू प्लस का वाई वन अपॉन के प्लस वन, ये आपका किसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा पी वन का। सिमिलरली ये आपका पी टू का कोऑर्डिनेट आ जाएगा के एक्स टू माइनस का एक्स वन अपॉन के माइनस वन इंटू के वाई टू माइनस का वाई वन अपॉन द के माइनस वन। ये आपका सिंपली इज अ किसका इज अ पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा और ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट P1 और P2 का कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जो कि एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल होंगे और हम उसको इंटरप्रेट ज्योमेट्रिकली अभी किए। आप चाहो तो आपको P का कोऑर्डिनेट h कॉमा k एज्यूम करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो भी ये बात फुलफिल हो जाएगी। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को?